हेलो दोस्तों, आज फिर लेके आए हैं आपके लिए काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। दोस्तों यदि आप भी सैमसंग कीपैड फ़ोन यूज करते होंगे दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने वाला है। दोस्तों काफ़ी यूजफुल होगा आपके लिए। अभी देख सकते हैं कि मेरे हाथों में जो कीपैड का सैमसंग फ़ोन है दोस्तों, जैसे आपके कीपैड फ़ोन में फ़ोन का आपका जो स्टोरेज है वो भर चुका है, तो जैसे आपका मैसेज भी नहीं आ रहा है, आप कहीं मैसेज नहीं भेज रहे हैं, जो भी आपका जितना भी मैसेज 1000 से ज़्यादा हो गया है, तो इसको किस तरीके से रीसेट करना है दोस्तों, आज हम बताएंगे कि सैमसंग कीपैड फ़ोन को किस तरीके से आप रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ तूफ़ानी टेक चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा सैमसंग का कीपैड फ़ोन है दोस्तों, चलिए अपना वीडियो स्टार्ट। कर लेते हैं, अब अनलॉक रहेगा फ़ोन तो अनलॉक कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा सैमसंग का कीपैड फ़ोन है, उसके बाद ये बटन आपको प्रेस कर देना है, साइड में जो दिख रहा है इसको प्रेस कर देना है। प्रेस कर देने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे चले जाना है, ये बटन प्रेस करके सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों आपको बटन, ये वाला बटन प्रेस करके नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको लास्ट में आपको 90 नंबर पर रिसेट का ऑप्शन दिया रहेगा, रिसेट, तो इस पे बीच वाले बटन को ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिसेट में, एक रिसेट सेटिंग का, एक मास्टर रिसेट का। तो आपको आपके फ़ोन का यदि सेटिंग करना, सेटिंग को रिसेट करना है दोस्तों, तो यहाँ पे आप जाएंगे रिसेट सेटिंग पे, जाने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको अभी दिस इज रिसेट ऑल सेटिंग एक्सपर्ट, यहाँ पर आपको अभी ओके करने के बाद ये साइड का जो बटन दिया है दोस्तों, ये इसको आप ओके कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे तो आपको आपका जो भी आपका रहेगा दोस्तों, तो यहाँ से आपका आपका जो सैमसंग कीपैड फ़ोन का रहेगा वो रिसेट हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप रिसेट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन या सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपको ऐसे यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।